बार विधानसभा का चुनाव हथका से लड़े हैं नारायण सिंह सैनी के खिलाफ। नारायण सिंह नारायणगढ़ विधानसभा से भूम सिंह राणा, नारायण सिंह सैनी अभी बीजेपी छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नारायण सिंह सैनी के खिलाफ दो बार चुनाव 2009 में भी 2014 में भी चुनाव लड़े हैं। बीजेपी छोड़कर के आज हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है अध्यक्ष जी का और भोग सिंह राणा जी का। और आप देख रहे हैं रोज के रोज बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, ये सारी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बहुत सारे लोग। तो सब इनका स्वागत है। और ये अर्जुन सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, यहाँ पर पार्टी में इनको पूरा सम्मान, मान सम्मान और स्थान मिलेगा। बाकी जहाँ तक आज की सवाल है, आज जो अखबार में आया है, जो हम कई साल का बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक हो गया, आज के अखबार में आया है 55% पढ़े लिखे पलायन कर चुके। तो ये स्थिति हरियाणा की है, ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है। और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। और जो कौशल निगम जो बना रखा है इन्होंने, कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है। और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। तो ये परिस्थिति है, यहाँ तो बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हरियाणा में कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आज पंजाब से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं यहाँ हरियाणा में, तो बड़ी चिंता का विषय है। और आज समय आ गया है, लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को फाड़ फेंके और कौन सी सरकार लेके आएंगे और फिर से वही 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, फिर बनाएंगे हरियाणा को। कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख रहे हो, अपराध बहुत बढ़ गया है, रोज कोई ना कोई आप ऐसे देखते हैं इंसिडेंस कि सुनने में नहीं आए, इस प्रकार से है। अभी वहाँ परसों में देखा रेलवे रोड पे, मतलब 3:30 बजे 2 दुकान तोड़ दी और रास्ता बंद कर दिया एक बार। मथुरा साहब में गए थे तो बड़े वहाँ देखा हमने, इस प्रकार की है, ऐसा लचर कानून व्यवस्था है प्रदेश की, प्रतीक होता है कानून नंबर 2 सरकार नाम की कोई चीज नहीं। तो ये है, अब तो पूछ लो भाई। सर, लोकसभा के प्रत्याशियों की कब तक सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं? देखिए, हमारे चुनाव है 25 मई को और 31 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है स्टेट की, उसमें पहले उसमें चर्चा होगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन जाएगा। मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या उसके आस पास जो है हमारा चला जाएगा सीईसी में और निर्णय होगा। साहब, एक ये जो मामला सामने आया कि नकली कैबिनेट दिखा करके और वो जमीन रिलीज करने का जो मामला है, रोड का जमीन रिलीज का मामला है, एफआईआर भी उसके अंदर दर्ज हो गई। देखिए, वो अब ये जब से सरकार बनी है घोटाले घोटाले हैं, एक घोटाला होता है उसकी एसआईटी बैठ जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, दूसरा घोटाला हो जाता है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे किलोमीटर स्कीम का घोटाला हो, धान की खरीद का घोटाला हो, किसी चीज का भी देख लो, इसी प्रकार से घोटाले हैं, रिपोर्ट के दी नहीं आती, ये भी घोटाला, ऐसे कई घोटाले पर्दाफाश होंगे। तो ये
पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस में तो उम्मीदवार उभारने को लेकर रस्साकसी है, हुड्डा साहब लड़े कि शैलजा लड़े, वो आप लोग कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहा। नहीं नहीं वो जैसे अब आप पत्रकार आप पूछ रहे जी शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, मतलब मर्जी है अच्छा है लड़े तो, मैंने नहीं कहा। आप सवालों में से जो ना आपने रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के तो इतने बुरे हाल है कि कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, सब भाग रहे हैं। कांग्रेस में बुरे हैं, बीजेपी के सारे बाहर से जाके कांग्रेस उम्मीदवार दे रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि अपने उम्मीदवार तो है नहीं बीजेपी के, कांग्रेस तो अपने मजबूत उम्मीदवार है, उतरे हैं जब देखना एक से एक मजबूत। सर करनाल उपचुनाव में इस कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या चर्चा हुई है? ये अभी आपको बताएंगे नहीं, जब उतारेंगे मनोहर लाल के सामने कौन चुनाव है बता देंगे, लड़ेगा। आप बता देना अपना प्रोग्राम। जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी हैं वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, क्या हरियाणा में भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि कोई लोग कांग्रेस छोड़ करके हम बीजेपी के सिटिंग एमपी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए क्या? उनके चौधरी वीरेंद्र सिंह आ गए हैं या नहीं आ गए? आपको बता दीजिएगा। इतिहास तो पहले भी रचा आगे सर ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये आपसे बात होगी या ऊपर हाईकमान से ही बात करके ज्वाइन? ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आपको बताना जरूरी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं है, पार्टी ज्वाइन की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं है, उनसे पूछो, उनसे पूछो आज कांग्रेस में है कि नहीं है, वो जवाब दे देंगे आपको। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, इनसे पूछो। क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे तभी तो हार गए दोनों, अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। रोहतक नहीं हारते क्योंकि एक ही परिवार से दो लोकसभा का चुनाव लड़ना पिछली बार का तजर्बा हो गया। कंफ्यूज उनको पता ही नहीं कौन कांग्रेस लड़ेगा, कभी कहते लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे, हम 10 की 10 लड़ेंगे कांग्रेस 9+। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। समय बताएगा वो कहां से जीत के आएंगे, विधायक ही नहीं बन सकते, छुपड़ा साफ है इनका। वो कह रहे सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार, जेजेपी कह रही सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार। वो तो देखिए जब इनका ये अलायंस का गठबंधन का पहले ही काम दे दिया था, इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान हो, होगा नहीं क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी की, तो वाट वोट काटने की कोई जगह नहीं है, वो लोग समझते हैं कौन वोट काटू है कौन नहीं। सभी जनता जनता पार्टी दोनों मिलकर की वोट काटने के लिए मैदान में उतर रही है या कुछ इनका भविष्य दिखता है? उनका प्रयास यही है, जब तक लोग वोट काट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। सर नवीन जिंदल भाजपा में चले गए और वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को अपने नेताओं को संभाल भी नहीं पा रही है, उनको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है, इसलिए
असलियत आपके सामने है। कांग्रेस के पास तो एक से एक मजबूत कैंडिडेट है, कुरुक्षेत्र की सीट तो हमने आप पार्टी को फंस में दे दी थी, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को मैं मजबूर नहीं था। वो प्रजातंत्र बचाओ रैली है, प्रजातंत्र बचाने के लिए रामलीला ग्राउंड में 31 तारीख को, तो मुख्य तौर पे मतलब हरियाणा से भी काफी साथी जाएंगे हमारे। पहली मीटिंग वही करके आया, अभी तो सर धीरे धीरे समा बन रहा है, आप कब जाएंगे, आपके जाने से माहौल कार्यक्रम नाएंगे बात पता लगेगा। सर पीछे कांग्रेस ने यही सेक्टर 9 में पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो भाजपा कर रही है कांग्रेस के अकाउंट सीज करवा रही है तमाम चीजें, तो क्या प्लान किया आप लोग ने, कैसे चुनाव फाइट? अभी तो बता रहे हैं प्रजातंत्र बचाओ रैली, यही देखे ना इस किस्म के कदम उठाना तो प्रजातंत्र में सराहनीय नहीं है। बाकी अध्यक्ष जी बता देंगे भाई, अभी तक वो पार्टी में नहीं है, ना ही हमारी कोई चर्चा हुई उनसे। ब्रजेंद्र जो उनके बेटे हैं वो इसमें कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बीजेपी छोड़ के जो सिटिंग है जब पता लग जाएगा, अभी मैसेज हमारे पास कोई है नहीं, आपके पास हो तो बता। अध्यक्ष जी आपकी पार्टी के जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं दीपेंद्र से लड़ने की इच्छा है, पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन और जो दिग्गज हैं जैसे रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा है, किम चौधरी है, या आप खुद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, आप मानते हैं कि वो लोकसभा के लिए मैदान में आना चाहिए? तो पार्टी में हर रोज नेता शामिल हो रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, उदय भान भी मौजूद रहे। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 उन्होंने बताया है, बाकायदा मीडिया से बातचीत की है और कहा कि 55% लोग पलायन कर चुके हैं, कौशल रोजगार युवाओं के साथ धोखा है, नशा लगातार हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से रिएक्शन दिया गया है। उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा हुई, 31 मार्च को लोग बैठक को लेकर जानकारी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से दी गई है, अप्रैल के पहले सप्ताह तक लिस्ट आएगी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से रिएक्शन दिया गया, कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारेगी अभी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। 31 मार्च को प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जानकारी दी गई है और तस्वीरें आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे।